आज हम आपके साथ भिंडी के सालन की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी और एक आसान सी रेसिपी है, पर डेली भी खाने के लिए इस रेसिपी का कोई जवाब नहीं है। भिंडी का सालन बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये थोड़ा सा इसका ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी अगर से चॉइस है आपकी, तो आप इसमें थोड़ा सा टमाटर वगैरह पीस के डाल दें, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से अगर चाहे देखें आप ट्रेडिशनल तरीके से, तो जैसे ये बनती है तो वो इसी तरह से बनती है, तो हम आपको उस तरह से बताने जा रहे हैं। तो भिंडी देखिए, हमने करीब 300 ग्राम करीब भिंडी है, जिसको मैंने ये करीब 1.5 इंच के टुकड़ों में, 1.5 से 2 इंच के टुकड़ों में काट के रख लिया है, फ्रेश है, धुली हुई है। और एक बड़ी प्याज का मैंने पेस्ट लिया है, 4 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। थोड़े से पाउडर मसाले हैं, देखें इसमें धनिया पाउडर है, मसाले को गाढ़ा करने के लिए और टेस्ट के लिए इसमें धनिया पाउडर का मसाला होता है। धनिया पाउडर मेरी 2 चम्मच है, 1/2 टीस्पून मेरी रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 पिंच हमारी हल्दी है और 1/2 टीस्पून ही हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च का काम होता है थोड़ा तेल वगैरह अच्छे से सेपरेट हो जाता है पकाने के बाद, तेल अंदर डूबता नहीं है ग्रेवी में और थोड़ा सा कलर वगैरह अच्छा आता है। आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/3 नमक है ग्रेवी के हिसाब से और 1/2 टीस्पून हमारा मेथी दाना है। तो बस इतने ही सामान है, आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने करीब इसमें थोड़ा सा जितनी हमारी कम सब्जी है हिसाब से तेल थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है, क्योंकि हमें भिंडी फ्राई करनी है, तो इस हिसाब से इसमें 50 ml तेल बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है, करीब 60 से 70 ml, क्योंकि इसमें हम भिंडी जब फ्राई करेंगे तेल थोड़ा कम हो जाएगा। तो तेल अब गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अपनी भिंडी डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट हम अपनी भिंडी को थोड़ी फ्राई कर लेते हैं। देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, एक तरफ से थोड़ी गोल्डन कलर की हो गई है और 2 से 3 मिनट हमने इसे करीब हाई फ्लेम पे भून लिया है। और इसका देखिए लसारापन जो आता है वो अब नहीं आ रहा है फ्राई होने के बाद, बस हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में से, तेल से बाहर कर लेते हैं। देखिए हमने अपनी भिंडी को निकाल लिया अलग बर्तन में, अब हम इसमें डाल देंगे अपना 1/2 टीस्पून जो मेथी दाना है ये डाल देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने का वेट करें। देखिए कलर हमारा मेथी का डार्क ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे और तेल सेपरेट होने तक हम अपने प्याज को भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी करीब करीब हो गई है, इसका पानी देखिए झाग से बता रहा है कि इसका पानी या प्याज का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस हमको अपनी प्याज को इतनी ही पकानी है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट और जो अब हमारे ये पूरे पाउडर स्पाइसेस हैं वो सब डाल देंगे एक साथ, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ऐसे थोड़ा अच्छे से पका लेंगे, 1/2 बाउल पानी डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब हमने मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे लेड लगा के 5 मिनट लो फ्लेम पर, और 5 मिनट बाद 3 से 4 मिनट ज़्यादा 5 मिनट कहीं जल ना जाए लेड लगाते हैं, फ्लेम कर लो बिल कर देते हैं बिल्कुल। भाई हम खोल के देखते हैं, देखते हैं हमारा मसाला देखिए अच्छा से भुन रहा है, बस उस टाइम हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और जो भी इसकी कसर है वो हम अच्छे से भून लेते हैं चलाते हुए। अब देखें 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पे से चला दिया, ये देखिए एकदम तेल हमारा अलग हो गया, देखिए बिल्कुल पानी इसमें अब नहीं है। और अपनी हमने ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालते हैं और इसे अपने मन मुताबिक अपने इसकी ग्रेवी थिकनेस देखते हुए जितनी हमें गाढ़ी चाहिए बस उतना हम पानी डाल लेते हैं। वैसे ही इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली होती है, उसमें ही बहुत टेस्ट आता है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बॉयल आने का वेट करते हैं, देखें इसमें बॉयल आ गया है, खूब अच्छे से बॉयल आ गया है। बस इस टाइम हम इसमें भिंडी डाल देंगे और अपना नमक डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से, लिड लगा देंगे और फ्लेम अपनी लो कर देंगे और इसे 5 मिनट 7 मिनट धीमी आँच पर पका लेंगे ताकि इसमें अच्छे से भिंडी का टेस्ट आ जाए और ग्रेवी हमारी एकदम जो भी कच्ची है वो थोड़ा पक। देखिए 5-7 मिनट ये धीमी आंच पे पक चुका है, अब हम इसे खोल के देखते हैं और चेक करते हैं इसको, देखिए चला के देखते हैं, भिंडी हमारी अच्छे से गल गई है और ग्रेवी भी गाढ़ी है, देखिए थोड़ी इतनी पतली इतनी गाढ़ी होती है, इस हिसाब से आप रख लें अपने हिसाब। आपने ये कितनी ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है,
और बहुत टेस्टी इसका सालन होता है, क्योंकि भिंडी वैसे भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी है और इसका सालन उतना ही टेस्टी बनता है जितनी ही हम सूखी हुई सब्ज़ी बनाते हैं, उससे ज़्यादा टेस्टी इसमें सालन में इसका टेस्ट उतर आता है। और इतनी सिंपल और इजी और कम इन्ग्रीडियंट से और फटाफट बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई करें आप इस तरह के। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाएं और फीडबैक दें। रेसिपी हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।